पहले सिर्फ मेरा है, उसने निकाह कर लिया तो क्या हुआ, है वो सिर्फ मेरा। इतनी आसानी से अपना हक, अपनी खुशियां उसकी गोद में नहीं डालने वाली मैं। बेटी के लिए माफी और नवासी की खुशियों को दान कर दो, एक बुढ़िया तुम्हारे आगे झोली भलाए बैठी। रुखसती कब करनी है? अरे नानो, आप यहाँ क्या खड़ी हैं? आपके लिए पानी लेकर आऊं, कुछ खाएंगी, आप बैठे ना। बड़ा नानो को मक्खन लगाया जा रहा है। वो नानो, बात दरअसल ये है कि आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहिए। वो माही को डिनर पर लेके जाना है बस। भाई बीवी है तुम्हारी, रुखसती तक इंतजार कर लो, फिर जहां मर्जी चाहे ले जाना। अच्छा, रुको। जी नानो। दी इजाजत, क्या याद करोगे? क्या बात है नानो की, जबरदस्त। डिनर का बोल रहा है वो। लवली, गो हैव फन। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम जाओगी मेरे साथ, प्लीज। I'm sorry, मुझे कोई शौक नहीं है यूं कबाब में हड्डी बनने का। सारा, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया, प्लीज। यार माही, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा तो सपोर्ट करो ना तुम मुझे, प्लीज ना। मुझे तो पता भी नहीं है मैं क्या करूँ। अच्छा ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। मैं क्या पहनूंगी? अभी चल के देखते हैं, मेकअप मैं कर दूंगी तुम्हारे। हाँ नहीं 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 तुम ज्यादा ना करना, प्यारी लगोगी। हाँ सही। माही, तुम सारा को क्यों अपने साथ लेकर जा रही हो? अम्मी जान अकेले कैसे जाऊंगी? बेटा, अपने शौहर के साथ हो, अकेले क्यों? तुमने अली को बताया सारे के बारे में? क्यों नहीं बताया? मैंने मना किया था उसे, मेरी कही बात कभी नहीं टाल सकती वो। इन दोनों के दरमियान की दूरियां अम्मी मैं कभी नहीं खत्म होने दूंगी। अली को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे माही के साथ देखकर माही पर बहुत गुस्सा करेगा और शायद फिर उसे एहसास होगा कि माही जैसी कंफ्यूज्ड लड़की से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती की और उसे हर जगह मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। हो जाएगा अम्मी, डोंट वरी। ठीक लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। बाय बाय। अम्मी जान, आप दादू को मत बताइएगा ना। मैं ना भी बताऊं तो तुम्हें जाते हुए देखेंगी तो क्या जवाब दो? कह दीजिएगा ना अली ने कहा था, प्लीज। Hey, मैं आ गई, लेट्स गेट रेडी। यार व्हाइट के साथ मैं ये व्हाइट एंड गोल्ड लेके आई हूँ, प्यारा लगेगा। आई थिंक बहुत एलिगेंट लगेगा, मेरा फेवरेट है। कैसे करके लो ना, थोड़ा समेट के लो यू, और ऐसे ठीक है। इसको पिन कर दे। नहीं नेट है। हाँ हाय। हाय। हेलो। बंदा कोई तारीफ ही कर देता है, दो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं और तुम होके चुप हो। वी आर गेटिंग लेट, बैठो। माही,
आगे बैठो। नहीं मैं पीछे ठीक हूँ। बैठो तुम। जी वालेकुम सलाम। रिजर्वेशन है आपकी? जी बिल्कुल, अली फराज के नाम से। जी सर, आइए। प्लीज सर। थैंक यू। ओ माय। ठीक है सर, आप देखें, मैं वेटर को भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी सर। आपसे एक फेवर चाहिए। जी बोले। एक टेबल अरेंज हो सकती है? वो एक्चुअली हमारे साथ एक गेस्ट हैं, उनके लिए चाहिए। हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। सारा, तुम्हारे लिए दूसरी टेबल अरेंज की है। डोंट माइंड। नहीं, सारा तो हमारे साथ बैठे थे। प्लीज माई, मैंने तुम्हारे साथ डिनर करना है, सिर्फ तुम और मैं। और फिर सारा तो हमारी दोस्त है ना, समझ ही जाएगी, माइंड नहीं करेगी। क्यों सारा? Of course. मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो। हाँ, लेकिन बिल तुम पे करोगे। Of course, I will. Have fun. मैं मेन्यू भिजवाता हूँ। नो थैंक यू, जब कुछ चाहिए होगा मैं बता दूंगी। ओके। वैसे कितना बुरा लगता है जब कोई आपको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंके। Anyways, हो जाता है साहब, मैं देख रहा था। तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सारा गुस्सा तुम पे उतर जाए। रिलैक्स, रिलैक्स। अपना गुस्सा संभाल कर रखो, वक्त पर वार करने के लिए। तुम इस लड़के को पसंद करती हो ना? Am I right? अली है वो। ओ, इरम आंटी का बेटा। ऑफ कोर्स, तुम्हारा पहला प्यार जो माही की वजह से अधूरा रह गया। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं मैनेजर को बुलाऊं? चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटाने के लिए। निकाह हो चुके उनका, तब तो और मजा आएगा। अली ने मेरी एंगेजमेंट तोड़ी थी ना, बदले में मैं उसकी शादी तोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारा अली मिल जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? डी जब बात मतलब की हो तो इतना नहीं सोचते। मंजूर है। यस। माही, क्या हुआ है? इतना बुरा लग रहा होगा सारा को अकेले बैठ के।
पहले भी तो हम सब इकट्ठा ही आते थे ना अली। माही पहले की बात और थी, मैं तुम्हें यहाँ लाया था अपने लिए। एटलीस्ट अगर तुम सोच रही थी सारा को साथ लाने का तो मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देता। ओके तुम चाहती हो कि सारा हमारे साथ आकर बैठे, ले आ। सारा चलो। मैं ठीक हूँ यहाँ, तुम लोग अपना डिनर एंजॉय करो। आई एम फाइन हियर। हाँ एक्चुअली चाहता तो मैं भी यही, लेकिन मेरी मिसेस को तुम्हारे साथ ही मजा आता। मैं समझा दूंगी उसे, डोंट वरी। नहीं नहीं रहने दो, उसकी खुशी अगर इसी में तो नो प्रॉब्लम, जॉइन अस, लेट्स गो। रियली? या लेट्स गो प्लीज। चलो थैंक यू। हैप्पी नाउ? थैंक यू। बस लड़कियां आ गई हैं? जी आ गई हैं। ये बताओ तुम मुझे अपना मानती हो या समझती हो? हमो ये कैसा सवाल है? यहां बैठो मेरे सामने। जी अमो। अगर मुझे बड़ा मानती होगी ना तो बिना सवाल किए मेरी बात मानोगी, और अगर बड़ा समझती होगी तो सवाल भी करोगी जवाब भी लोगी और मुतमईन होगी तो मानोगी मेरी बात। अब बताओ बड़ा समझती हो या मानती हो? अम्मू मैंने आपको कभी सास तो समझा ही नहीं, हमेशा माँ ही समझा, और माँ को दिल से बड़ा माना जाता है। अम्मू बस तो फिर तैयारी करो बहू। कैसी तैयारी? मैं समझी नहीं। रखते सफर बांध दिया है मैंने। अम्मू ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसी बातें ना भी करूं ना तो हकीकत टल नहीं सकती। मैं चाहती हूँ मरने से पहले माही को इस घर से रुखसत कर दूँ। फराज के रुखसती का पूछने पर दिल तो यही चाह रहा था कि उसी वक्त दिन और तारीख तय कर दूँ, पर सोचा निकाह मेरी मर्जी से कर दिया था तुम दोनों ने, अब रुखसती का फैसला करूँगी तो ये ज्यादती होगी तुम माँ बाप के साथ। नहीं अम्मू, माही क्या, हमने तो अपनी जिंदगियों के फैसले का अख्तियार भी आपको दे रखा है। आपका जब जो जैसे दिल चाहे जो मुनासिब लगे आप वही फैसला करें। जीती रहो, औलाद की खुशियां नसीब हो। आप भी हमारे सरों पे सलामत रहे। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी अनवांटेड गेस्ट की तरह मुझे दूसरे टेबल पे बिठा दिया उसने। ये एटीट्यूड मेरे बजाय उसे माही को दिखाना चाहिए। तुम दूसरी टेबल पर बैठी क्यों? उठकर फौरन घर क्यों नहीं चली आई? खैर अच्छा ही हुआ कि नहीं आई, वरना बिलाल से कैसे मुलाकात होती मेरी।
बिलाल, वो शाजिया का बेटा? जी जी वही। अब क्या फायदा, अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है, और तभी वो शगुफ्ता पर गुस्सा थी, इसीलिए अपने बेटे की मंगनी का नहीं बताया था। वो तो मेरी उनकी पड़ोसन से बातचीत थी, उसने मुझे बता दिया। मंगनी उसकी टूट चुकी है, बल्कि अली ने तोड़वाई है। क्या, अली ने तोड़वाई? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बिलाल मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उसकी जिंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स आपसे शेयर करती फिरूं। तो अब ऐसा क्या हो गया है जो बिलाल तुम्हारे लिए इतना अहम हो गया? बिलाल मेरे लिए अहम नहीं है, लेकिन जो उसकी इंटेंशंस हैं वो मेरे लिए अहम है, क्योंकि उसके और मेरे इरादे एक ही। चाहती हो कि सारा हमारे साथ आकर बैठे? ले आ। जो तब्दीलियां होती हैं ना जिंदगी का हिस्सा होती है, जो हुआ है उसे कबूल कर, वो बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। अरे वाह, आज तो माही ने मुझे फोन किया। क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती क्या? कजन हो तुम मेरे। सिर्फ कजन समझकर फोन किया? नहीं। बोलो भी, सिर्फ कजन हो तुम्हारा? दोस्त भी हो? सिर्फ दोस्त। थैंक यू अली। थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक यू कि तुमने मेरे कहने पे सारा को वैल्यू दी। थैंक यू सो मच माही। थैंक्स वहां किया जाता है जब कोई आपको फेवर दे रहा हो। तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना कोई फेवर तो नहीं है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है, और ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहा। मेरा ख्याल है मैं गलत टाइम पर आ गई। कौन है, सारा? हाँ, जरा स्पीकर ऑन करना। एक सेकंड, बोलो। सारा, क्या जरूरी है कि तुम हर वक्त गलत वक्त पर आकर हमें डिस्टर्ब करो? यार कभी तो मियां बीवी को प्रिवेसी दे दिया करो। ओके, यू गाइस कंटिन्यू, मैं चल। सारा रुको। अरे जाने दो उसे। हाँ। मुझसे भी कुछ बातें कर लो यार, इसलिए तो भेजा उसे। अच्छा, ये। थैंक यू। सैलेड भी? नहीं, कुछ। हेलो अम्मू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वो कल मैंने खाने की दावत देनी थी तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई मसरूफियत ना हो तो। ऐसी कोई खास मसरूफियत तो नहीं है। ठीक है, हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। कोई खास वजह डिनर की? जी जी,
वो माहीन और अली की रुखसती की बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, कल तैयार रहना, साथ चलते हैं। ग्रीन टी कमरे में भिजवा देना। जी जरूर। ये कब हुआ, कैसे हुआ? वाओ, ये क्या हुआ, मुझे बताया नहीं किसी ने। अब तो पता चल गया ना, खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो इतने ज्यादा भी खुश नहीं, खाना खाओ। खुश कब है? कब है, इतनी बेस अभी? अब आपके अब्बा मान गए ना, हो जाएगा काम। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भाई, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? डैड के ऑफिस। डैड के ऑफिस? हाँ मॉम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डैड नानो के कहने पर राजी हुए और वो अब तक मुझसे नाराज हैं। उस वक्त उनसे बात करता तो वो मेरी बात को वैल्यू देना तो दूर, सुनना भी शायद पसंद ना करते, लेकिन अब मुझे उनका मूड थोड़ा नॉर्मल लग रहा है तो सोचा ऑफिस ही ज्वाइन कर लेता हूँ, बाकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। मॉम, मैं डैड को भी खुश देखना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम तो माहीन से निकाह के बाद काफी समझदार हो गए। चलो अच्छा है, हो सकता है इस बहाने तुम्हारे डैड भी मान जाए। वैसे अम्मू के अंदाज से मुझे यही लगा था कि वो माही की रुखसती में देर नहीं लगाएंगे। अरे वाह, मैं भी यही चाह रहा था। अली, कुछ तो शर्म करो, माँ हूँ तुम्हारी। नहीं मॉम, आप मेरी मॉम कम और दूर ज्यादा, आपसे बात करते हुए क्या शर्म। चले, विश मी लक। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। या, सी यू, बाय। सी यू, बाय। सलाम साहब, महंगा। वालेकुम सलाम। हेलो, मॉर्निंग डैड। मैं आए? आने की कोई खास वजह?
जी आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। डैड क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? आपकी नाराजगी वजह है। सॉरी मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था। ना जाने मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। I'm really sorry again। कोशिश करो जिंदगी में सॉरी कहने के मौके कम से कम आए। तो मेरे बेटे हो अली, बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मैं बीइंग अ फादर मेरा भी हक है तुम पे। खैर जो हुआ सो हुआ। लेट्स मूव ऑन। कॉफी? श्योर। Two coffee, please. Thank you. बस कर दो। कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी? परेशान होने से क्या फायदा? बदलो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माही आओ ना, रुक क्यों गई? हाँ हाँ आओ आओ बैठो, मेरी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखो। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो, ऐसी होती हो दोस्ती? सब कुछ जानने के बावजूद सब कुछ खुशी खुशी कर रही हो और चेहरे पर देखो शर्मिंदगी के तासुरात ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहे। अम्मी वो क्यों शर्मिंदा होगी? इसमें माही का क्या कसूर? प्लीज माही को कुछ ना कहा करें आप। हाँ इसे कुछ ना कहो, कसूर तो हमारा है और ये सब कुछ कहे बगैर सब कुछ कर जाए। मेरे पास बैठो। अम्मी की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ, तुम्हें पता है ना अम्मी का, बस सारा वो कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? ठीक ही तो कह रही है। तुम्हें गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम खुश हो यार, अपनी शादी की तैयारी करो और प्लीज मेरी वजह से गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है। अली को बताया तुमने? नहीं बताया? मैं बताऊं? मैं कॉल करूं उसे? 28 की डेडलाइन है हमारे पास, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट 10 रोज पहले कंप्लीट करके क्लाइंट को सरप्राइज देना चाहता हूं। Sorry. कॉल कर दी मैं, बिजी होगा शायद। बिजी है तो क्या हुआ, अपना फोन दो मुझे। सारा बिजी होगा, रहने दे। तो So sorry, I have to take this. So sorry. Hello? तो मेरा फोन बिजी कर दिया तुमने और अपनी बीवी का फोन फौरन उठा लिया तुमने। तुम? हाँ मैं। तुम्हें गुड न्यूज देनी थी मैंने, तुम लोग कल डिनर पे इनवाइटेड हो। क्या तुमने मुझे सिर्फ ये बात करने के लिए कॉल की है? नहीं कुछ और भी बताना था मैंने तुम्हें, वो जो तो जाने। लिसन सारा, इस वक्त मैं अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारी कॉल रिसीव करने के लिए आया हूं।
मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हारे पजल सॉल्व करने का, ऑलराइट? सो यू नो मैं कॉल रख रहा हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? शायद सिग्नल ड्रॉप हो गए तुम्हारा फोन। सारा कम ऑन यार। माही यार तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? शादी का तो सारा ने तुम्हें कॉल की तो थी, फिर सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो गया था ना। सारा देखो मैं इस वक्त अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारी कॉल रिसीव करने बाहर आया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि तुम्हारे पजल सॉल्व करूं, सो यू नो मैं कॉल रख रहा हूं, आई विल कॉल यू लेटर। हेलो, तो तुमने मुझे दोबारा फोन भी तो नहीं किया? हाँ मैं अम्मी के साथ बिजी हो गई थी ना शॉपिंग करने, फिर जहन से निकल गया, आई एम सॉरी। खुश तो हो ना? नहीं तो। Really? हाँ अली। ये शादी ना मैं सिर्फ दादो की वजह से कर रही हूँ, वरना मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। हेलो अली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी अली, इतना नाराज हो गया। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा सारा। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की? सारा मैं तो उसे तंग कर रही थी, मुझे क्या पता था वो नाराज हो जाएगा। हाय रुको मैं ट्राई करती हूँ, प्लीज। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, सो पता होगा तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। सारा तलाक की तरह अगर अली ने बेइनकार कर दिया शादी से तो मामा से क्या कहूंगी मैं? तुम परेशान मत हो, कल पप्पू जाने आ रही है ना, और सारा अगर वो ना आई है सब कुछ सुन के तो पागल हो गई हो क्या? पप्पू जाने इतनी सी बात पे शादी नहीं खत्म करेंगे। कुछ नहीं होता, दोबारा ट्राई करूंगी उसे। हाँ कॉल करो। देखिए अमो मुझे कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी निकाह के बाद एतराज करके मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए जो आपको ठीक लगे वही कर लेते हैं। इसमें सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबकी खुशी और सबका दिल से राजी होना जरूरी है। मैं राजी हूं, दिल से भी और दिमाग से भी। आप हुक्म करें। अरे बहू जाओ मीठा लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। जी लेके आती। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत है। आमीन। 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 रहा
नाराज हो मुझसे? पहली बार। अरे माही, क्या हो गया यार? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इतनी मुश्किलों से लड़ झगड़ कर तो मैंने तुम्हें पाया है, पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और जितना बेवकूफ तुम मुझे समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं। माही, तुम्हें याद है बचपन में लड़ाई झगड़ा हो जाता था हमारा, फिर दोस्ती हो जाती थी, तो हम क्या करते थे? हम गले मिलते थे, तो लेट्स डू इट अगेन। फिटिंग सही लग रही है आपको? तुम शादी को तोड़वाने की बजाय शादी की तैयारियां कर रही हो? मुझे नहीं सही लग रही फिटिंग। बिलाल से बात हुई? मैं सोच रही हूँ मैं दानी के साथ जाके कुछ माइयों के लिए ले आती हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमसे पूछ कुछ रही हूँ, तुम बोले क्या जा रही हो? क्या करूँ मैं? कुछ भी करो, कम से कम शादी की तैयारियां मत करो। सारा तुम इस तरह से देखकर दिल फटता है मेरा। तुम्हारा मायू होना चाहिए था, तुम्हें दुल्हन बनना चाहिए था। मायू मेरी होनी चाहिए थी, पर मायू माही की हो रही है। मुझे अली की दुल्हन बनना था, पर मन माही रही है। सुना आपने अम्मी, मैं माजी हूं, माही हाल है। सब कुछ छीन लिया माही ने मुझसे, जरा एहसास नहीं किया उसने मेरा। सब खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ खत्म नहीं हुआ, बस तुमने रोना नहीं। लाल की कॉल है। हेलो। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है और कब करना है। हाँ, क्या सोचा तुमने? क्या कह रहा है, क्या करेगा? क्यों समझें कि माही की शादी उसके लिए एक हसरत बन जाएगी? कल उसकी माइयों नहीं होगी, तलाक होगी। अली खुद उसे तलाक देगा। हाय जाना तेरा गम।